हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हाई स्कूल के लिए मेरा चैनल JBM इंग्लिश क्लासेस है, जबकि क्लास 11 और 12 के लिए रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू। इस दोनों चैनलों पर हमारा ये वीडियो अपलोड होगा और आप जिस क्लास से भी रिलेटेड हैं आप उसमें इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज बच्चों हम राइटिंग स्किल डेवलप करने के मकसद से इस वीडियो को बनाए हैं। और बच्चों, इसमें आपको एक कंपोजिशन लिखना है, एक शॉर्ट कंपोजिशन लिखना है, जिसमें आपको अपनी शुरुआत में अपनी लर्निंग स्किल को डेवलप करते हुए दिखाना है। और उसमें आपको ये भी डिस्क्राइब करना है कि उसको लर्न करते समय आपने कौन कौन से चैलेंजेस का सामना किया है। ओके, फॉर एग्जांपल के रूप में हमने लिया है कि आपने जब शुरुआत में साइकिलिंग करना अथवा आपने स्विमिंग करना सीखा, तो आपको किस तरह से फियर ने, डर ने आपको किस तरह से घेरा, किस तरह से जकड़ा और किस तरह से आपने अपने कॉरेज के बल पर और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने फियर के ऊपर विजय प्राप्त की और आप अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, यानी लर्न करने में या राइड करने में आप सफल हुए। ओके, तो मेरा ये वीडियो इसी पर केंद्रित है। बच्चों, अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपको फर्स्ट फ्लाइट में एक लेसन मिलेगा और वो लेसन है, फर्स्ट फ्लाइट नाम ही है लेसन का, जिसमें आप पाएंगे कि एक सीगल समुद्री पक्षी है और वह फ्लाइट करने से, उड़ने से बहुत डरता था, लेकिन अंततः उसने कोशिश किया और उड़ने में सफल हो गया। और जब आप कक्षा 12 यानी क्लास 12th की बुक खोलेंगे फ्लेमिंगो, तब आपको उसमें थर्ड लेसन डीप वाटर मिलेगा, जिसको कि विलियम ओ डगलस ने लिखा है। यह एक उनकी जो है ऑटोबायोग्राफी है, यानी एक सब्जेक्टिव ऐसी है, ऐसे है जिसमें उन्होंने अपने रियल लाइफ की इंसिडेंट्स का वर्णन किया है कि किस तरह से उनको पानी से डर लगता था और तैरने से वो डरते थे, किंतु बाई एंड बाई करके उन्होंने अपने उस भय पर प्राप्त किया, फियर पर उन्होंने ओवरकम हो गए, यानी ही ओवरकेम हिज फियर एंड अल्टीमेटली ही बीकेम ए स्विमर और एक बहुत अच्छे तैराक बन गए। ओके, तो बच्चों ये ऐसे आपका जो ऐसे कहें या शॉर्ट कंपोजिशन कहें, इसी पर केंद्रित है। और जो कंक्लूड करता है, यानी जिसका एक सार है या जिसका यू कैन से मॉरल है, वो है ओवरकम ऑन फियर्स रिजल्ट्स इन सक्सेस, कि अगर अपने हम भय पर विजय प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब मैं सफल होऊंगा। और विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर, आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी कि डर के आगे जीत है, तो विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर। तो इस प्रकार से आप इस शॉर्ट कंपोजिशन को लिखेंगे और लिख करके आप इन्हीं दो पंक्तियों के साथ उसको कंक्लूड करेंगे। उसमें आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कि साइकिलिंग करते हुए आपने कैसे लोगों को देखा और किस तरह से आप उसकी तरफ फैसिनेट हुए और किस तरह कौन से चैलेंजेज या फियर्स ने आपको घेरा और किसने आपको सपोर्ट किया और अल्टीमेटली आपने अपने फियर पर विक्ट्री प्राप्त की और आप एक साइकिल राइडर हो गए। ओके, तो आप चाहे साइकिल राइडर का पॉइंट चुन करके लिखें या एक स्विमर का, ओके, कोई भी आप लिखें और इससे आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी। ओके, आपका क्वेश्चन है जिसे आप देख सकते हैं और आप आंसर लिखना शुरू करिए कि लर्निंग टू राइड ए बाइसिकल वाज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू टू मी एज सिंस द डे आई गॉट माय सेंस, यानी साइकिल को राइड करना, सीखना मेरे लिए एक स्वप्न था जो उस दिन सत्य साबित हुआ जब मैं समझदार हो गया। आई हैड बीन वॉचिंग माई फादर, अंकल्स, एल्डर ब्रदर्स एंड कजिन्स राइडिंग साइकिल का, और उसमें आप लिखिए कि मैंने पिता को, अंकल को, ओके, और एल्डर ब्रदर्स को, कजिन्स को, इन सभी को साइकिल राइडिंग करते हुए देखता था। इट फैसिनेटेड मी ए लॉट, और इसने मुझे बहुत अधिक आकर्षित किया, फैसिनेटेड मैंने आकर्षित किया। सो एट द एज ऑफ 10 आई ऑल्सो डिसाइडेड टू लर्न
टू राइड बाइसाइकिल। इसलिए 10 वर्ष की अवस्था में मैंने भी तय किया कि मैं साइकिल को राइड करना सीखूंगा। ओके, माई एल्डर ब्रदर एंड आई टू के साइकिल। मैं मेरा बड़ा भाई एक साइकिल लिया, बट इट वॉज नॉट ईजी टू लर्न इट राइड। लेकिन साइकिल तो लिया लेकिन इसको चलाना सीखना सरल नहीं था। इन द बिगनिंग आई फाउंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न एंड वंडर्ड हाउ पीपल कुड राइड इट। शुरुआत में तो मुझे ये बड़ा कठिन लगा, बड़ा असंभव सा लगा सीखना, और आश्चर्य हुआ कि आखिर लोग कैसे इसको चला लेते हैं। बट माई एल्डर ब्रदर डिड नॉट गिव अप ऑन मी। लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझको मेरे पर नहीं छोड़ा, एंड केप्ट ऑन इनकरेजिंग मी, और वह मुझको लगातार इनकरेज करते रहे। आई हैड फॉलन मैनी टाइम्स सो वॉज एक्सट्रीमली अफ्रेड ऑफ बींग हर्ट। कहें उसमें लिखिए कि मैं कई बार गिरा और इसलिए बहुत अधिक डर गया था कि कहीं चोट ना ज़्यादा लग जाए। बट माई ब्रदर कॉट द साइकिल फ्रॉम बिहाइंड। लेकिन मेरे भाई ने पीछे से साइकिल पकड़ा, एंड आई रोड इट, और मैंने उस साइकिल पर सवारी की। देन ही रिलीज द साइकिल बट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। और इसके बाद उसने साइकिल को छोड़ दिया, रिलीज मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं इस बात को नहीं जानता था कि उसने साइकिल छोड़ दिया है। एंड केप्ट पैडलिंग, और मैं उस पर पैडलिंग करते हुए, यानी साइकिल को पैडलिंग करते हुए चला गया। आफ्टर सम डिस्टेंस आई रियलाइज्ड दैट आई वॉज एक्चुअली राइडिंग साइकिल विदाउट एनी हेल्प। और कुछ दूरी के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं साइकिल खुद चला रहा था बिना किसी के हेल्प के। तो इन दिस वे आई लर्न टू राइड बाइसाइकिल। इस तरह से मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। दस बाई ओवरकमिंग माई फियर ऑफ फॉलिंग आई लर्न हाउ टू राइड ए बाइसाइकिल। इस प्रकार से भय के ऊपर अपनी विजय प्राप्त करके मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। सिमिलरली द सीगल इन द फर्स्ट फ्लाइट। उसी तरह से सीगल ने फर्स्ट फ्लाइट में, एंड विलियम डगलस ने किसमें, डीप वाटर। जब आप कक्षा 12 पढ़ेंगे तो डीप वाटर जो चैप्टर है उसमें विलियम और डगलस ने अपने भयों के ऊपर यानी अपने फियर्स के ऊपर विजय प्राप्त की। कौन सा भय था? फॉलिंग एंड ड्राउनिंग रेस्पेक्टिवली, यानी गिरने और डूबने के डर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ओके, तो बी मस्ट नो, आपको ये जानना चाहिए, आप कंक्लूड कर दीजिए इसमें। क्या आपको कंक्लूड करना है? विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर, यानी डर के आगे जीत है। या आप और एक लाइन लिख सकते हैं, ओवरकम ऑन फियर्स रिजल्ट्स इन सक्सेस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।